गाइस वेलकम टू रॉक डेस्टिनी. आज हम जाने वाले हैं मालवन. मालवन पाण्यामध्ये किल्ला शिवाजी याद कसा शिरला. तो आज हम एक्चुअल जाके देखेंगे कि मालवन की जो ब्यूटी है हम एक्सप्लोर करेंगे. मेरे साथ ये पूरा जर्नी एक्सप्लोर करने के लिए साथ में आशीष है एंड स्पेशल गेस्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड अब्दुल. सो हम ये जर्नी में जाएंगे. यहाँ से बस स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ पर हमने ओलो बुक किया है. ओलो से हम लोग कुड़ल जाएंगे. कुड़ल से हम बाइक रेंट पे लेके आगे का सफ़र तय करेंगे. सो आइए देखते हैं आगे का सफ़र कैसे होता है. बहुत रोमांचक. फॉलो कीजिए वीडियो को, पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. जैसे कि मैंने आपको बताया हम जाएंगे बस स्टॉप. हम आए हुए बस स्टॉप, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये बस स्टॉप है, वाशी का बस स्टॉप है. यहाँ पर बसेस लगती हुई है. यहाँ से हम बस पकड़ेंगे और सीधा जाएंगे कुड़ल. कुड़ल में आगे का सफ़र मैं आपको बताऊँगा, तो प्लीज़ फॉलो. सीधा सवेरे अभी सोएंगे और सवेरे उठेंगे कुड़ाल में और कुड़ाल से आगे का जर्नी देखेंगे. जैसे मैंने बोला था कि हम सिंधुदुर्ग का जो पोर्ट है, ये जो पानी गंगा का जो पोर्ट है, हम उसको विजिट करेंगे. हम यहाँ से फेरी लेंगे. फेरी लगभग हम अभी 4 बजे हुए हैं. फेरी लगभग ये 4:15 बजे के आसपास हमको पोर्ट में लेके जाएंगे. विल एक्सप्लोर द पोर्ट और हम लोग 5:30 बजे रिटर्न आएंगे. 1.5 घंटे का टाइम मिलता है यहाँ पर. 100 रुपीज़ पर पर्सन इसका चार्ज.
जैसे हमने बोला था, हम आए आज राइड्स करने के लिए, जो वाटर राइड्स हम आज कंप्लीट करेंगे। आज हम स्कूबा डाइविंग करेंगे, हम आज पैराग्लाइडिंग करेंगे, बनाना राइड और अदर तीन राइड्स हम करेंगे। लगभग ये 5 to 6 राइड्स हैं जो आज हम पूरे दिन में कंप्लीट करेंगे। इस राइड्स को कंप्लीट करने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो हम पहले जाएंगे, हम पैराग्लाइडिंग करेंगे, पैराग्लाइडिंग के बाद हम स्कूबा डाइविंग करेंगे और फिर हम कंप्लीट करेंगे अपनी अदर राइड।